अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल गाइस विल बी फाइन एंड वेल। मैं हूं आपके साथ आपका अपना कंसल्टेंट मोहम्मद इकराई शेख, नई वीडियो के साथ। आज है मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे करमान यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो उनके रिव्यूज़ जानते हैं करमान यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। तकरीबन उन्होंने यहाँ पर जैसे कहना कि ईरान के अंदर तकरीबन 4 to 5 months उन्होंने स्पेंड किए हैं, तो उनके जो है ना इस टाइम का जो उनका ड्यूरेशन यहाँ पर जो गुजरा है ईरान में, उस तरह के उनके रिगार्डिंग उनके क्या रिव्यूज़ हैं, आइए जो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक इकराश भाई जान, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले फैसल भाई ये बताएं कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान में? मैं पाक पतन से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पाक पतन, पंजाब, पाकिस्तान से। ठीक हो गया। और बाकी ये बताएं कि आपको किस तरह का लगा ईरान का एनवायरनमेंट? ईरान का एनवायरनमेंट बहुत बेस्ट है, ख़ास करके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इधर पे सब कुछ जो है वो प्रैक्टिकल्स की फॉर्म में आपको समझाया जाता है, कैडावर्स पे, यानी कि इंसानी जो लास्ट बॉडीज़ हैं, लास्ट डेड बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर जाके आपको फुल ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से ऑर्गन किधर हैं, यानी कि फुल एंड सिस्टम, अच्छा सिस्टम है। ठीक हो गया। अच्छा, आप चलते हैं इधर हमारे साथ एक और स्टूडेंट आए हैं तलाब भाई, इनसे भी कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराश भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हो तलाब भाई? ठीक हो। आप मुझे बताएं कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो? मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। ठीक हो गया। बाकी आप ईरान के एनवायरनमेंट का पूछ रहे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और एक स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहता है पाकिस्तान से, जैसे एक्सपेंसिव एजुकेशन है, तो वो रशिया और चाइना की बजाय ईरान आ जाए, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है यूनिवर्सिटी का और किस तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, आपकी कितनी फ़ी है यूनिवर्सिटी? $1500 पर ईयर फ़ी बनी। ठीक हो गया। अच्छा, बातें यहाँ पे फैसल भाई की तरफ। फैसल भाई, आपका जो है कितना इसमें जो है फ़ीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का? मेरा फ़ीस स्ट्रक्चर है तकरीबन साल का $2500 फ़ी है स्कॉलरशिप के। स्कॉलरशिप के कितना स्कॉलरशिप मिला आपको? मुझे स्कॉलरशिप मिला है 60%। 50 या 50? आई थिंक 50 और 60%। हाँ, सही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप इस तरह यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह आप लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे किस तरह स्टूडेंट्स की रेशो क्या है यहाँ पे मेल्स और फीमेल स्टूडेंट्स की, और किस किस कंट्री से यहाँ पे जैसे कहना कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं? नंबर वन पे तो ईरान जो है इधर इस्लामिक स्टेट है, इसकी वजह से पर्दे का और हिजाब का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर आप अपनी बहनों को या बेटियों को या फीमेल्स को भी अगर इधर आप पे भेजें तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इधर फुल इस्लामिक माहौल है। और यूनिवर्सिटी में क्या रेशियो है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सिटी में हमारी क्लास में नाइजेरियन बॉयज़ भी हैं, और इसके बाद लीबिया से भी हैं, लबनान से हैं, और उसके बाद इराक से भी हैं, और पाकिस्तान से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, इंडिया से भी हैं, कश्मीर से हैं, श्रीनगर से भी हैं। सही हो गया। तो मेल्स और फीमेल स्टूडेंट्स की क्या रेशियो है तकरीबन इसमें अगर देखें क्लास में? अगर टोटल क्लास में और पाकिस्तान से कितने हैं, बाकी दूसरे कंट्री से कितने स्टूडेंट? पाकिस्तान से तकरीबन है कोई 20-25 स्टूडेंट होंगे, 25, और बाकी और बाकी दूसरे कंट्री से तकरीबन 50 लगा लें या 45 लगा लें। सही होगा। ठीक होगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या है, यहाँ पे किस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्लासेज वगैरह मिलती हैं? हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी तक तो इंग्लिश में ही यानी कि पढ़ा रहे हैं, जब हम दो तीन साल बाद यानी कि ट्रेंड हो जाएंगे, पर्शियन की क्लासेस भी हो रही हैं, हमें डेली रेगुलर पर्शियन की यानी कि क्लासेस दी जाती हैं। वीक में होती हैं। सही हो गया। तो उसके बाद जब हमें पर्शियन पे अबूर हासिल हो जाएगा, उसके बाद हमें क्लिनिकल कोर्सेज में हमें पर्शियन जस्ट क्लिनिकल लेवल तक जस्ट। हाँ, अच्छा, बात है तलाब भाई की तरफ यहाँ पे आते हैं, इनसे कुछ जानते हैं इनके रिव्यूज कुछ लैंग्वेज के बारे में, और पर्शियन के रिगार्डिंग इनका क्या इसमें जैसे कहना कि यूनिवर्सिटी की क्या इनकी अपना क्या राय है यूनिवर्सिटी के बारे में? यूनिवर्सिटी के बारे में मेरी अच्छी राय है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमारा वो इंग्लिश है, प्रोफेसर हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और अच्छी मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हमें पर्शियन की क्लास भी दे रहे हैं, रेगुलर हो रही हैं, दो तीन साल बाद जब क्लिनिकल शुरू होगा तो पर्शियन लाजमी हमें पेशेंट के साथ कम्युनिकेट चाहिए होती है। हम डेली लाइफ में भी पर्शियन यूज़ करते हैं यहाँ और सीख रहे हैं, और क्लासेस भी डेली हो रही हैं, तो इंशाल्लाह हम 2 साल तक ट्रेंड हो जाएंगे। अल्लाह पाक का। अच्छा, ये बताएं कि एग्ज़ाम सिस्टम किस तरह का है, एग्ज़ाम अगर आपने दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के भी? सिस्टम यहाँ काफ़ी अच्छा होते हैं, एग्ज़ाम फारसी में होते हैं, किस लैंग्वेज में आपके जैसे एग्ज़ाम? इंग्लिश में होते हैं ऑफकोर्स, और एग्ज़ाम यहाँ पे टफ होते हैं, इनका लेवल ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, तो यानी कि एक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। हाँ जी, अगर आप ये लाजमी। सही हो गया। और ट्रांसपोर्ट का, डॉर्मेटरीज का किस तरह का सिस्टम है? डॉर्मेटरी हमें यूनिवर्सिटी बस की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करती है। सही हो गया। ठीक हो गया। और हॉस्पिटल्स क्या सिस्टम है, टीचिंग हॉस्पिटल हैं यूनिवर्सिटी के पास? यूनिवर्सिटी के साथ ही हॉस्पिटल एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल। सही हो गया।
चलिए आप बुलाते हैं यहाँ पे एक हमारे एक स्टूडेंट है जिसे कहना जो हमारे अभी कैमरा मैन है इस टाइम, उनको भी बुला लेते हैं यहाँ पे। कमर नाम है उनका, तो तलाब जरा जाए उनको जरा देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कमर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं फैसलाबाद से हूँ, नाम मेरा मोहम्मद कमर जावेद है। ठीक हो गया। और क्या आपकी राय है ईरान के बारे में? तकरीबन टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे अच्छा खासा अभी। ईरान बहुत ही अच्छा है। और किस तरह का माहौल है? इस्लामी मुल्क है और सारी तकरीबन हर बच्चे के लिए अच्छी यहाँ पे सहूलियात हैं, हिजाब की पाबंदी है। सही होगा। आपका इसमें फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिला है आपको और कितना आपका तकरीबन एक्सपेंस हो जाता है यहाँ पे ईयरली यूनिवर्सिटी में? मुझे मेरी फ़ीस है तकरीबन $2,000 सालाना। बाकी क्या इसके कंपैरिजन करते हो दूसरे कंट्रीज़ के साथ फ़ी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग और जो फैसिलिटीज़ हैं, जो स्टडी का स्टैंडर्ड है, क्या स्टूडेंट्स का इसमें क्या रिकमेंड करते हो सिस्टम को देखते हुए ईरान के? मैं तो जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें यही कहूँगा कि ईरान सबसे बेहतरीन है उनके लिए। एक इस्लामिक माहौल है और उस्तादा जो भी हैं इतने इधर वो PhD वाले हैं सारे। और एक जो ईरान की सबसे बेहतरीन खूबी ये है कि इसकी सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, गवर्नर है। और एक एक यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, 10-15 डिग्री हॉस्पिटल के लिए। यस सही है। और बाकी अब आते हैं फैसल भाई की तरफ भी आते हैं यहाँ पे, इनसे कुछ मज़ीद सवाल करते हैं, थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आपने पहले जैसा कि क्वेश्चन पूछा है कि आप इनको बाकी कंट्रीज से कैसे कंपेरिजन करते हैं, इस पर नंबर वन पे तो ये बात आ जाती है कि रशिया, चाइना और दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप जाएंगे तो इस टाइम डॉलर का रेट जो है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको फ़ी जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़ी अनअफोर्डेबल बन जाती। और सेकंड नंबर पे ये बात है कि अगर आप रशिया में जाएंगे उधर पे इतना रशिया हो या चाइना हो उनकी यूनिवर्सिटीज़ इतनी स्टैंडर्ड की नहीं है, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनके साथ कोई हॉस्पिटल एफिलिएटेड है। उसके बाद आपको उधर प्रैक्टिकल्स के लिए तकरीबन 3-4 साल बाद लेके जाते हैं, और यहाँ पे वो भी इधर हमें फर्स्ट सेमेस्टर से हमने स्टार्ट किया है, हमें पहले वीक में ही वो उन्होंने डेड बॉडीज़ वगैरह पे हमें प्रैक्टिकल सेशन हुए हैं। उसके बाद अगर हम रशिया जाएं तो रशिया का हिसाब ये है कि हमें पहले नंबर पे तो जाना बाय रोड बाय एयर पड़ेगा। सही हो गया। उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। सही हो गया। ईरान में अगर आप आना चाहते हैं तो इधर इतना एक्सपेंसेस नहीं है आपका, तकरीबन बाय रोड भी अगर आएँ तो मैं 3 दफ़ा आया हूँ, कराची वाली साइड से भी आया हूँ, कराची वाले बॉर्डर से, रमदान बॉर्डर से, उसके बाद तफ्तान वाले बॉर्डर से, क्वेटा वाली साइड से भी आया हूँ। तो आप दोनों साइड से जिससे मर्जी आएँ तकरीबन आपका मैक्सिमम खर्चा खाना पीना करके तकरीबन 12-13 हज़ार रुपया मैक्सिमम होता है, 10-12 हज़ार। हाँ, एक साइड का। ये बड़ा अच्छी तो अच्छा सिस्टम है। इसलिए अगर आप बाहर एयर जाएं रशिया तो कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा अप की टिकट है और आप उधर से साल बाद वापस आ सकते हैं। इधर से आपको छुट्टियाँ हो, आप अपने घर जाओ, 2 दिन में घर पहुँच सकते हैं। और छुट्टियों का क्या सिस्टम है? तकरीबन सेमेस्टर गुजरा है तो किस तरह छुट्टियाँ मिल जाती है? छुट्टियाँ इधर काफ़ी रिलैक्सेशन होती है, यानी कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और स्टूडेंट्स को रिलैक्स भी रखते हैं। सही हो गया। अभी हमें ये छुट्टियाँ हो रही हैं नवरोज़ की 1 माह, इससे पहले हमारा सेमेस्टर एंड हुआ है उसके बाद छुट्टियाँ हुई हैं, यानी कि इंटरटेनमेंट भी होती है और स्टडी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। अमर भाई की तरफ आते हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे जैसे कहना इसमें राय पेश की है इन्होंने फैसल भाई ने। अच्छा कहो मुझे आपको बताएँ कि आपका इसमें क्या व्यू है इसका लैंग्वेज के रिगार्डिंग? आपने माशाल्लाह क्लास के अभी भी आप रिप्रेजेंटेटिव भी हो अपनी के क्लास को डील भी कर रहे हो, प्रोफेसर के साथ उठना बैठना भी है अभी माशाल्लाह से, तो पर्शियन का क्या सिस्टम है? यूनिवर्सिटी किस तरह दे रही है क्लासेस? पर्शियन के स्टूडेंट को कैसे सिखा रही है साथ साथ, क्योंकि आपका फर्स्ट बैच है, डिफरेंट ममालिक से स्टूडेंट्स हैं साथ बैठे, एक कम्बिनेशन है स्टूडेंट्स का, तो उसके ऊपर क्या आप इसमें अपने व्यूज़ देना चाहते हो इस चीज़ के बारे में? पढ़ाते हमें इंग्लिश में है, सारा कोर्स इंग्लिश में है, पेपर इंग्लिश में होंगे आपके साथ साथ हो रहा है, मतलब कि हमारे 4 सेशन हो चुके हैं फारसी के लिए, और मतलब सीख सकता है बंदा आसानी से, फारसी इजीली सीख सकता है। जी हो गया। और ट्रांसपोर्ट का और डॉर्मिटरीज का किस तरह का सिस्टम है? कितने अभी यहाँ पे तकरीबन टोटल कितने स्टूडेंट्स जो आपने अभी देखे हैं यहाँ पे पाकिस्तान से करमान यूनिवर्सिटी के अंदर, जो जिस डॉर्मिटरी लाइक आप अभी रह रहे हो, तो तकरीबन टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से जो बॉयज़ हैं, जो मेल स्टूडेंट्स हैं तकरीबन जो आपके साथ अभी रह रहे हैं डिफरेंट बैचेज में? ये जो हमारी डॉर्मिटरी है इसमें तकरीबन 70 के करीब स्टूडेंट हैं हमारी डॉर्मिटरी, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या है जो बॉयज़ हैं, और फीमेल तकरीबन एक्सपेक्टेड कितने हैं स्टूडेंट्स तकरीबन? 60-70 के करीब अगर फीमेल लगा लें तो 60-70 के करीब। सही हो गया। उनको भी ऐसी ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, उनको भी बस आती है, घंटे के बाद बस आती है आपको, जी स्नैप वगैरह का भी सहूलत है, फोन से आप स्नैप करवाएँ, और यानी कि ऑनलाइन सिस्टम है सारा, ठीक है हर चीज़। अच्छा हमारी टीम के बारे में क्या इसमें देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों का करवाया सबका, तीनों का माशाल्लाह एडमिशन हुआ है यहाँ पर करमान में मेरे थ्रू, तो क्या आपका मेरे बारे में आप क्या इसमें रिव्यूज़ देना चाहते हैं और इसमें आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करते हो
कि वो इस चीज़ को अगर यूज़ करें तो उनको किसमें क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट को मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि आप भी एक किसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ी बात ये है, कोई धोखे फ्रॉड वाली बात नहीं है। और बाकी आप कोऑपरेट भी अच्छे से करते हो, बाद में भी गाइड करते हैं, जब स्टूडेंट इधर आ जाते हैं उसे यूनिवर्सिटी दिखाना, सारा उसको गाइड करना, सारा सिस्टम अपनी निगरानी में करवा कर देते हैं। सर आते हैं फैसल भाई की तरफ, आते हैं इनके क्या हमारे बारे में जैसे कहना कि क्या रिव्यूज़ हैं जी भाई जान, तो क्या आप देना चाहते हैं हमारे हमारी टीम के बारे में क्या रिव्यूज़ देना चाहते हो जब आए हो पाकिस्तान से? जी जी, क्योंकि आप बाय आई थिंक फर्स्ट टाइम आप बाय रोड आए हो उसमें। जी जी, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कैसे आगे जैसे कहना जब आप पहुंचे तो वहां पे अवेलेबल थे हम? जी बिल्कुल, तो रिसीव किया आपको? बिल्कुल रिसीव किया, उसने प्रॉपर हेल्प किया क्या उसमें आपकी आपकी यानी कि जो है इधर स्टूडेंट जब आता है बस टर्मिनल पर तो आप उसको जाके रिसीव करते हैं, उसको अपने कुछ यानी कि अगर फूड वगैरह खाना खाना हो तो आप खाना भी उसको खिलाते हैं फुल, यानी कि उसको प्रॉपर यानी कि हाँ जी प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं उसकी। हाँ जी बिल्कुल, सिम्स वगैरह लेके देने या डॉर्मेंट्री में कोई इशू हो सेटलमेंट करवाना, सारा सेटलमेंट करवाना, और यूनिवर्सिटी में अगर कोई आपका इशू है तो उसको सेट करवाना, बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से आप स्टूडेंट को डील करते हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह, ओके हो गया। आते हैं तलहा भाई की तरफ भी, आते हैं इनको भी ज़रा कॉल करते हैं, इनके भी एक दफ़ा जान लेते हैं रिव्यूज़ किया है इसके हमारी टीम के बारे में, और फिर जैसे कहना तो वीडियो एंड करते हैं। तो अच्छा जी आ गए हैं जी तलहा भाई भी, अभी आ गए हैं हमारे पास, कैमरामैन थे पहले बने हुए हमारे, तो क्या तलहा भाई क्या रिव्यूज़ हैं आपके, क्या रिकमेंड करते हो आप स्टूडेंट्स के, क्योंकि आपको भी मैंने कराया एडमिशन, आपके फादर के साथ काफ़ी टच में रहे हैं माशाल्लाह, आपको प्रॉपर उसमें हेल्प किया गाइड किया पहले, तो जब ईरान आए हो तो उस टाइम आपका क्या रिव्यू है हमारी टीम के बारे में जो आपको समझ? आपने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और हमें आपने बस टर्मिनल से दिया और हर तरह गाइड किया जो आपका मतलब हेल्प किया जी, तो आप क्या रिकमेंड करते हो स्टूडेंट्स को कि उनको भी ईरान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है इधर का, और मैं रिकमेंड करूँ। हाँ जी, मैनेज एक्सपेंसेस भी कम है। सही है, तो ठीक है जी, बाकी आप देख रहे हैं जी, बाकी इंशाल्लाह जैसे कहना कि अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में ईरान में तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, आपको नंबर जो है यहाँ पे वीडियोस के ऊपर भी डिफरेंट पॉइंट्स पे अवेलेबल होगा, बाकी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आपको इसका जो हमारा नंबर है हमारी टीम का वो आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, ओके जी अल्लाह हाफिज़।